बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब बहुत अच्छे होंगे, आई नो। जी, एफएससी पार्ट वन केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, एफएससी पार्ट टू भी हमने स्टार्ट की हुई है केमिस्ट्री की। हम अब अल्टरनेटिव डेज में पढ़ते हैं, एक दिन पार्ट वन, एक दिन पार्ट टू, ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना हो और आपको सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाए इस लॉकडाउन में। चैप्टर फोर हमने करना है, आज हमने चैप्टर फोर का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहली टाइप जो हम आज पढ़ेंगे, डेट इज आयोनिक सॉलिड। सेकेंड वन इज कोवेलेंट सॉलिड। थर्ड वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड लास्ट वन इज मेटेलिक सॉलिड। तो आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जी गाइस, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने पढ़नी है, चार टाइप्स हैं, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड। ये ऐसे चार टाइप अलग अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती हैं, लाइक डिफाइन आयोनिक सॉलिड एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज, डिफाइन कोवेलेंट सॉलिड एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज, डिफाइन मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज, या व्हाट इज मेटेलिक सॉलिड एक्सप्लेन विद इट्स प्रॉपर्टीज। डिफरेंट सेंस में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फोर टाइप्स अगर हैं तो चार की चार अलग से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, फोर मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने लाजमी करनी है, पूरा लेक्चर देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना और इसको साथ साथ याद भी करना है। चलें जी, अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे हमने पढ़नी है, डेट इज आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स आर दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स के नाम से पता लग रहा है, ऐसे सॉलिड जिसमें आयंस होंगे, और वो आयंस किस बॉन्ड से आपस में लिंक अप होंगे, दे आर टुगेदर बाय आयोनिक बॉन्ड। आयंस कितनी तरह के होते हैं जी? दो तरह के आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव जिसको हम केटाइन बोलते हैं, एक नेगेटिव जिसको हम एनायन बोलते हैं। जब कोई ऐसा क्रिस्टल जिसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होगा और वो आयोनिक बॉन्ड से आपस में जुड़े होंगे, तो उस क्रिस्टल को हम बोलेंगे कि दिस क्रिस्टल इज आयोनिक सॉलिड। एग्जाम्पल जी, NaCl, KBr एंड एटसेट्रा, दीज आर सम एग्जाम्पल्स। एंड द कॉमन सॉल्ट इज, जो हमारे घर में किचन में नमक होता है, वो भी आयोनिक सॉलिड की एक कॉमन सी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं जी, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। सबसे पहले जी इसकी फिजिकल स्टेट देखते हैं। फिजिकल स्टेट, दे हैव वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न, 3D शेप होती है इसकी, केटाइन्स और एनायंस ने एक स्पेसिफिक पैटर्न में अपने आप को अरेंज किया होता है और एक खास किस्म की ज्योमेट्रिकल पैटर्न से ये अपनी अरेंजमेंट शो करते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा होता है, क्योंकि जो आयनिक सॉलिड है, दे आर स्टेबल कंपाउंड, आयंस और केटाइंस ने आपस में मजबूती में एक दूसरे को जोड़ा होता है। वॉलेटिलिटी लो होती है, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ज्यादा होती हैं, क्योंकि आयंस और केटाइंस के बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, आपस में लिंकअप हुए होते हैं, तो ये लो वॉलेटिलिटी शो करते हैं। नॉन डायरेक्शनल क्लोज पैकिंग का मतलब है कि आपको पता है कि जो आयोनिक सॉलिड है इसमें आयंस हैं, इसमें न्यूट्रल एटम तो है ही नहीं, जो आयंस हैं पॉजिटिव है नेगेटिव है, उन्होंने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है और इस अट्रैक्शन की वजह से उन्होंने अपनी अरेंजमेंट स्पेसिफिक की हुई है, एंड दीज फोर्सेज आर नॉन डायरेक्शनल। नेक्स्ट है जी स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है रेडियस रेशियो पे, किसकी रेडियस रेशियो पे, केटाइन की और एनायन की रेडियस रेशियो पे इसका स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा। और हमारे पास आयनिक सॉलिड की कॉमन सी एग्जांपल है NaCl, जो कि आपको ये पिक्चर में भी लेफ्ट साइड राइट साइड पर सॉरी नजर आ रही होगी, राइट साइड पर देखिएगा, ये आपको एक क्यूब नजर आ रहा है, इसमें अब ये जो ग्रीन है, दिस ग्रीन इज क्लोराइड एंड द स्मॉल वन इज सोडियम। अब सोडियम और क्लोरीन आपस में बॉन्ड है, इकट्ठे तो ये बॉन्डिंग नहीं ना कर सकते कि आप करें कि इधर भी सोडियम हो, इधर भी सोडियम हो, इधर भी सोडियम हो, दिस इज इम्पॉसिबल। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो ये आपस में लिंकअप करेंगे। और आयोनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं, आयोनिक बॉन्ड इसमें है, आयंस हैं, तो इसके लिए जो मैस का वर्ड यूज होगा, डेट इज फॉर्मूला मैस। हम यहाँ पे मॉलिकुलर मैस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये मॉलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। आयोनिक सॉलिड हैं तो इनका होगा जी फॉर्मूला मैस, मॉलिक्यूलर सॉलिड होते तो मॉलिक्यूलर मैस लेते, और अगर हम एटम या एलिमेंट की बात करेंगे तो आपको पता है हम उसके लिए एटॉमिक मैस लेते हैं। अब हमारा कंसर्न क्या है, आयोनिक सॉलिड तो इनके लिए जो मैस की टर्म हम यूज करेंगे वो होगा फॉर्मूला मैस। नेक्स्ट मोर प्रॉपर्टीज हैं, कंडक्टिविटी। आयोनिक क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में कंडक्टिविटी शो नहीं करते, जब ऑन द अदर हैंड जब हम आयोनिक सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं या इसके अंदर लिक्विड ऐड करते हैं तो ये कंडक्टिविटी शो करेंगे इन मोल्टन स्टेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस।
ब्रिटलनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ब्रिटलनेस क्या होती है? शाइनिंग सरफेस, चमकना. आयनिक क्रिस्टल्स आर हाईली ब्रिटल. क्यों ब्रिटल होते हैं? कि इसमें पैरेलल लेयर्स होती हैं आयंस की और कैटायंस की, और क्लोजली पैक होते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन भी बहुत फास्ट देते हैं. इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है. ये देखिएगा पिक्चर में आपको नजर आ रहा है. आप सपोज कर लें कि जो टू है दिस इज कैटायन एंड वन इज एनायन. तो देखिएगा कैटायन ने एनायन से बॉन्डिंग बनाई हुई है. दिस इज अल्टरनेट लेयरिंग. अल्टरनेट मीन पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. अब ये क्या है? ये लेयर बनी हुई है. फॉर एग्जाम्पल हम कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, हम हैमर करते हैं, तो ये लेयर्स क्या करती हैं? थोड़ी सी जगह से पीछे हो जाती हैं. जैसे ही लेयर्स पीछे होंगी, नेगेटिव नेगेटिव के सामने आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और लेयर्स में क्या आ जाएगा जी? फासला आ जाएगा ड्यू टू द रिपल्शन. इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा जी? एक इसमें ब्रिटलनेस प्रिपेयर हो जाएगी, ब्रिटलनेस एक्टिव हो जाएगी. आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, आयनिक क्रिस्टल्स दोनों फिनोमिनास शो करते हैं, एसोसिएट करते हैं जी आइसोमॉर्फिज्म से भी और पॉलीमॉर्फिज्म से भी. नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम क्लोराइड की. सोडियम क्लोराइड में देखें, ये जो आपको ब्लू कलर के ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं ये क्लोरीन है, और ये जो रेड है ये है हमारे पास सोडियम. सोडियम इज कैटायन, क्लोरीन इज एनायन. अब क्लोरीन का साइज बड़ा क्यों है सोडियम से, ये आपको पता है. रीजन मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ. होता क्या है, एनायन कब बनता है? एनायन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो एनायन बन जाता है. जब कोई चीज लेता है तो उसका साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा. इसलिए एनायन का साइज बड़ा है. कैटायन का साइज छोटा क्यों है? बिकॉज कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब कोई चीज, कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा. दैट्स वाई कैटायन इज स्मॉलर इन साइज. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो पिछली स्लाइड में देखा, अब हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं. इन सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज क्लोरीन. अब इस क्लोरीन को, चले हम इस सोडियम को देख लेते हैं. इस सोडियम की अगर बात करें तो इस सोडियम को टोटल 6 क्लोराइड आयन ने सराउंड किया हुआ है. किस तरह किया हुआ है जी? ये सोडियम है, एक क्लोराइड ये अटैच है, एक ये अटैच है, एक ये वाला अटैच है, एक ये अटैच है. चार ये हो गए. एक ऊपर साइड पे अटैच है, एक नीचे साइड पे अटैच है. तो इसी तरह अगर यहाँ पे क्लोराइड होता तो इसको भी 6 सोडियम ने सराउंड किया होना था. क्लियर? अब ये डिस्टेंस आ जाता है एमसीक्यूज में कि NaCl के स्ट्रक्चर में क्लोरीन क्लोराइड आयन का डिस्टेंस कितना है. दिस इज 5.63 एंगस्ट्रॉम. यहाँ से दिस इज क्लोरीन. एक क्लोरीन का दूसरे क्लोरीन तक डिस्टेंस कितना है? 5.63 एंगस्ट्रॉम. अगर हमने, ये पूरी लेंथ है, अगर हमने इसका डिस्टेंस लेना होगा, सोडियम का क्लोरीन से लेना होगा, तो हम क्या करेंगे? 5.63 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास हाफ डिस्टेंस निकल आएगा. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो सोडियम है, जिस तरह सोडियम अगर सेंटर में था तो उसको 6 क्लोराइड ने सराउंड किया हुआ था, इसी तरह अगर क्लोराइड होता तो उसको भी 6 सोडियम ने सराउंड करना था. तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर. कितने लोगों ने कोऑर्डिनेट किया हुआ है? लोग मीन एटम्स, आइंस. कितने आइंस ने दूसरे आयन को कोऑर्डिनेट किया हुआ है, लिंक अप किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. नेक्स्ट है कैलकुलेशन करनी है जी. कैलकुलेशन हम कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम इस वाले की बात करें, तो अगर आप जिस रूम में बैठे हुए हो इस टाइम, अपना रूम देखो, तो आप रूम में देखें कितने कॉर्नर्स हैं. टोटल इन अ क्यूब देर आर 8 कॉर्नर्स. कॉर्नर्स के सेंस में 1, 2, 3, 4. 4 ऊपर वाली साइड पे, 1, 2, 3, 4. 4 नीचे वाली साइड पे. तो इसका मतलब है एक क्यूब में टोटल 8 क्लोरीन राउंड हैं कॉर्नर्स पे. ठीक है, 8 क्लोरीन कहाँ हैं? कॉर्नर्स पे हैं. इसी तरह अगर हम फेस की बात करें, कितनी दीवारें हैं एक कमरे में? एक सामने वाली दीवार, एक पीछे वाली दीवार, एक राइट वाली दीवार, एक लेफ्ट वाली, एक ऊपर वाली और एक पांव वाली. तो टोटल 6 दीवारें हैं. अब 6 वॉल्स हैं. अब इन 6 वॉल्स में अगर एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसका मतलब एक वॉल 2 रूम को तो एटलीस्ट शेयर हो रही होती है ना. अगर 2 रूम साथ साथ हैं तो वो आपस में शेयरिंग करेंगे, तो इसका मतलब है हाफ हाफ शेयर होगा. तो हम कह सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 2 कितने क्लोरीन हो गए? 4 क्लोराइड. 8 बाय 8 का मतलब है 8 कॉर्नर्स हैं और 8 कोने पे 8 क्लोरीन लगे हुए हैं. तो टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास 8 बाय 8 1, 6 बाय 2 3, 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा जी? 4. तो टोटल एक क्यूब में हमारे पास 4 क्लोराइड आयन होते हैं. इसी तरह मैंने इसको क्लोराइड बोला, अगर मैं इसको सोडियम बोलती हूँ तो सोडियम की भी सेम काउंटिंग होनी थी. 8 कॉर्नर्स पे, 6 फेसेस पे, 8 बाय 8 कितने हो गए? 1.
इसी तरह 6/2 कितना हो गया, 3, 3+1 तो 4 ही सोडियम आयन भी हमारे पास होने थे। तो टोटल हमारे पास 4 NaCl होते हैं एक क्यूब में, एक यूनिट सेल में। नेक्स्ट है जी लैटिक्स एनर्जी, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, व्हाट इज लैटिक्स एनर्जी, डिफाइन इट। लैटिक्स एनर्जी बेसिकली क्या है, जब आप कोई भी आयंस को आपस में सम अप करते हैं, जोड़ते हैं और एक आयनिक कंपाउंड बना देते हैं, उसके नतीजे में जो हीट रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं लैटिक्स एनर्जी। ऑन द अदर हैंड आप किसी आयनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हो, उसकी ब्रेक डाउन में जितनी एनर्जी रिलीज होगी या जितनी एनर्जी ब्रेक डाउन में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसको भी हम क्या बोलेंगे, लैटिक्स एनर्जी बोलेंगे। दिस माइनस एंड प्लस साइन इंडिकेट द रिएक्शन, वट एवर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। माइनस का मतलब है कि आपकी जो रिएक्शन है इसमें जो हीट है वो रिलीज हो रही है, तो रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्लस का मतलब है कि जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट कुछ आयनिक कंपाउंड्स हैं, इसकी हमें लैटिक्स एनर्जी दी गई है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। क्लोराइड, फ्लोराइड, क्लोरीन, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटाशियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इसकी लैटिक्स एनर्जी माइनस में है क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं जी, हमारे पास सेकेंड टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि इसमें जो बॉन्ड होगा जिसमें एटम ने आपस में एक दूसरे को शेयरिंग की होगी, सेम एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, जिस फोर्स से आपस में जुड़े होंगे वो बॉन्ड कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट सॉलिड्स को हम एटॉमिक सॉलिड्स भी कह सकते हैं, ये एटॉमिक सॉलिड के नाम से भी बोर्ड में एक दफा आ चुका है। अब कोवेलेंट सॉलिड में हम एग्जांपल कर लेते हैं, हमारे पास दो हैं, एक तो है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, एक है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड जाइंट स्ट्रक्चर बनाता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है, इसका मॉलिक्यूल आपस में लिंक नुमा होते हैं, इसमें सारे कार्बन होते हैं, एक कार्बन ने चार बॉन्ड बनाने होते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, तो वो एक जाल नुमा बहुत ह्यूज बड़ा जिन नुमा जाइंट नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में क्या होती है, ये लेयरिंग होती है, लेयर में जुड़े होते हैं, जैसे दिस इज वन लेयर, दिस इज सेकेंड लेयर एंड दिस इज थर्ड लेयर, लेयर में आपस में बॉन्डिंग हुई हुई है। लेयर में इसकी आ जाती है जी ग्रेफाइट, कैडमियम, आयोडाइड और बोरोन नाइट्राइड, दिस इज जाइंट एंड दिस इज लेयर्ड। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जी स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है, डिफाइंड डायरेक्शन होती हैं, कोई चेंजेबल डायरेक्शन नहीं होती, डिफाइंड होती हैं, डायरेक्ट डायरेक्शंस होती हैं। हार्ड होते हैं कोवेलेंट क्रिस्टल्स, हार्डनेस की वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से लो वॉलेटिलिटी होती है। कंडक्टिविटी ये शो नहीं करते क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोलबिलिटी का आपको पता है जी, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अब जो कोवेलेंट सॉलिड्स हैं दे आर नॉन पोलर, तो वो वाटर में तो डिजॉल्व नहीं होंगे, नॉन पोलर होने की वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे, लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ईथर। केमिकल रिएक्शन इनके स्लो होते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, ये ग्रेफाइट की आपके सामने दोबारा से एग्जाम्पल आ गई है। अब देख लेते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड आपको पता है दिस इज वन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। इसमें होता क्या है, हर कार्बन ने चार बॉन्ड बनाए होते हैं और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। अब हर कार्बन ने चार बॉन्ड्स बनाए हैं तो इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो ये sp3 हाइब्रिड होता है। sp3 का मतलब है कि इसमें 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे और चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे, चार लूप्स बना देंगे। चार लूप्स की वजह से जो इसकी ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल हो जाती है, चार कोने बन जाते हैं। इसी तरह हम अगर इसके यूनिट सेल की बात करें तो हर कार्बन क्या होता है, sp3 ओवरलैपिंग करता है। एक कार्बन ने फर्दर चार कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए होते हैं, इसमें जो एंगल होता है वो 109.5 का होता है और इसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 154 PM की होती है। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड को हम डायमंड, जैसा कि मैंने बताया, जाइंट मॉलिक्यूल होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, बहुत बड़ा, फेस सेंटर्ड होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके लुक्स लाइक फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, और ये अनस्टेबल होता है क्योंकि अगर इसको हम काफी सालों तक रखें तो ये ग्रेफाइट में भी कन्वर्ट हो सकता है ओवर सेंचुरीज। दिनों की बात नहीं है, महीनों की बात नहीं है, ये सेंचुरीज की बात है। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। डेफिनेशन देख लेते हैं जी, सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड होते क्या हैं।
द क्रिस्टल कंसिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड के नाम से पता लग रहा है कि इसमें ना अब एटम आएंगे ना इसमें अब आयंस आएंगे, इसमें क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स आएंगे। वंडरवॉल फोर्सेस के अकॉर्डिंग, वंडरवॉल फोर्सेस ने जब मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ा होगा वो हम कहेंगे दे आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्रिस्टल्स एग्जाम्पल है आपके पास अमोनिया, वाटर, एच एफ एस ओ टू, सी ओ टू, एन टू, ओ टू एंड आई टू। नेक्स्ट है जी, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दो तरह की होती हैं, एक होती हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, एक होती हैं वंडरवाल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एज कम्पेयर टू वंडरवाल फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं क्योंकि उसमें पोल्स होते हैं, पोलर पोलैरिटी से मिलता है और वो स्ट्रांग फोर्सेज होती हैं। जो वंडरवाल फोर्सेज होती हैं दिस इज ड्यू टू नॉन पोलैरिटी। अब वंडरवाल फोर्सेज वीक भी हैं, वीक होने की वजह से मॉलिक्यूल सॉफ्ट हो जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, लैटिस एनर्जी कम हो जाती है और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, इजीली मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टीज। एक्सरे एनालिसिस से हम इसकी अरेंजमेंट का पता लगा कि इसकी जो अरेंजमेंट है एग्जैक्ट पोजीशंस होती हैं, इसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं और जब वीक होंगी तो सॉफ्ट होंगे और इजीली कंप्रेसिबल हो सकते हैं, हम इजीली इसको प्रेस कर सकते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होता है क्योंकि इसमें वीक वंडरवाल फोर्सेज होती हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेज होने की वजह से दे आर मोस्टली वोलाटाइल और बैड कंडक्टर होते हैं क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, डेंसिटीज कम होती हैं, ट्रांसपेरेंट टू लाइट होते हैं। सॉल्युबिलिटी अगर देखें लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो ये पोलर होते हैं क्योंकि इसमें डाइपोल्स की हम बात कर रहे हैं, तो डाइपोल का मतलब है पोलैरिटी, पोल्स। जब पोलर हैं तो दे विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, एथेनॉल, अल्कोहल, वेयर एज नॉन पोलर में ये यूजली नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर हुए, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होंगे तो नॉन पोलर में होंगे, अगर डाइपोल वाले हुए पोलर वाले हुए तो वो पोलर में ही होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है आयोडीन की, आई टू मॉलिक्यूल। ये देखिएगा आपको इसके कॉर्नर पे दो दो आयोडीन नजर आ रहे हैं, आई टू, ये इसी फॉर्म में होता है क्योंकि मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही अटैच होगा। बॉन्ड डिस्टेंस कितना होता है 271.5 और इसका गैशियस में 266 होता है। आयोडीन इज बेसिकली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज लास्ट सॉलिड, लास्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स बेसिकली पोजेस मेटेलिक बॉन्ड्स, लाइक आयनिक सॉलिड्स पोजेस आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट सॉलिड पोजेस कोवेलेंट बॉन्ड, उसी तरह मेटेलिक सॉलिड में भी जी मेटेलिक बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल क्या है, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकल। अब इसमें होता क्या है, मेटल्स के टाइन्स ने आपस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपस में दूसरे से बाइंड हुए होते हैं, पूरा स्फीयर बना होता है ड्यू टू द मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड में द फोर्स विच बाइंड अ मेटल केटाइन टू अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, केटाइन को मेटेलिक केटाइन, मेटल को केटाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेटल में एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो इसका मतलब है उसके वो केटाइन कहलाएगी, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो मेटल हमेशा केटाइन ही होगा। तो जब मेटेलिक केटाइन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने सराउंड किया होता है और वो आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्ड कौन सा होगा जी, मेटेलिक बॉन्ड होगा। इसमें हम डिफरेंट थेरीज पढ़ते हैं, पहले हमारे पास थेरी इलेक्ट्रॉन पूल थेरी, जैसे कि हम पता है मेटेलिक थेरी पढ़ रहे हैं, मेटेलिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं, तो मेटल में एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। दिस थेरी वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय ड्रूट, ड्रूट ने प्रपोज किया था, लेकिन इस थेरी को एक्सटेंड किसने किया जी, 1932 में लॉरेन ने इस थेरी को एक्सटेंड किया और इस थेरी को पेश किया वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से। होता क्या है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं, ये ब्लू में आपके पास इलेक्ट्रॉन है और ये आपके पास मेटल है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज कर लिया है और क्या बन गया है, केटाइन बन गए हैं। अब अगर आप ये पिक्चर देखो इसमें आपको ब्लू कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, आप कह सकते हो ये समुंदर है इलेक्ट्रॉन्स का, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसको बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पड़े होते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है जी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने पेश की, लिविस पॉलिंग ने पेश की थी, बेसिकली पॉलिंग ने पेश की है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस शेल में से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो आप अगर ये डायग्राम देखो तो ये हैं आपके वैलेंस। अब वैलेंस वाले क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, ये अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, दे आर डीलोकलाइज्ड, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड पे हैं, इनके बॉन्ड्स पूरे नहीं होते तो दे आर डीलोकलाइज्ड, ये मूवमेंट में रहते हैं। वेयर एज अगर आप इनकी बात करो तो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बना के नॉट लोकलाइज्ड होते हैं, ये अपनी जगह पे फिक्स होते हैं क्योंकि इनके बॉन्ड्स पूरे हैं, ये हिल नहीं सकते वहां से। नेक्स्ट है जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
थ्योरी में भी हम लोकलाइज देखेंगे, जैसे कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल आर लोकलाइज्ड होते हैं, जैसे कि वैलेंस बॉन्ड में हमने पढ़ा कि वो सिर्फ जो इनकम्प्लीट होंगे वही डीलोकलाइज्ड होंगे। तो इस थ्योरी को एक्सटेंड करके क्रिस्टलेटिक्स के जरिए उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड स्टेट्स। इसमें बड़ा मॉलिक्यूल होता है और उसमें थोड़ी थोड़ी सी स्पेस होती है जिसको हम बैंड एनर्जी भी बोल सकते हैं। बैंड एनर्जी की वजह से हम इस थ्योरी को बैंड थ्योरी भी बोलते हैं क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड स्टेट्स इसके अंदर होती हैं। नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक सॉलिड। प्रॉपर्टीज सबसे पहले क्या है जी, कंडक्टिविटी, दे आर गुड कंडक्टर। जैसे कि हमें पता है मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करना ही करना है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे जिसकी वजह से दिस विल बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव। तो जो नेगेटिव है वो नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और वो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले जाएंगे पॉजिटिव पोल की तरफ और जो पॉजिटिव हैं दे विल कन्वर्ट टू वर्ट नेगेटिव पोल। अब इसमें क्या होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑसिलेशन पैदा हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और इसमें पॉजिटिव आयंस बढ़ना शुरू हो जाते हैं और इनकी हिंड्रेंस पैदा होती है। जितनी ज़्यादा एटम आयंस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, हरकत ज़्यादा होगी, हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाएगी और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो फिर डिक्रीज भी हो सकती है। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी जैसे आपको पता है कि जब हम मेटल के एक साइड पे हीट अप करते हैं तो वो क्या करता है, हीट को ट्रांसफर करता है टू द अदर साइड। जिस तरह अगर आपको स्टील का स्पून या लोहे की चीज़ आप पकड़ो, आयरन रॉड पकड़ लें आप, उसको आप चूल्हे पे रख के गर्म करते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपका हाथ भी, हाथ वाला हिस्सा भी जो लोहे का आपने रॉड पकड़ा है वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है, कि जो हीट है वो ट्रांसफर हो गई है फ्रॉम वन एंड टू एन अदर। अब इसमें होता क्या है, ये जो आयंस और एटम्स होते हैं ना ये करते हैं वाइब्रेट, ये वाइब्रेशन से एडजस्टेंट वाले को अपनी हीट ट्रांसफर करते हैं और ऑटोमेटिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम हीट ट्रांसफर हो जाती है टू द कूलर एंड। गर्म एंड से मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ट्रांसफर हो जाती है कूलर एंड की वजह से, कूलर एंड की तरफ, और पूरे का पूरा रॉड गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है जी लस्ट्रस, मेटेलिक लस्ट्रस। ये शाइनिंग सरफेस होती है मेटल की। क्यों शाइनिंग सरफेस होती है, मोस्ट मेटल पोजेस मेटेलिक लस्टर, लस्ट्रस होते हैं, शाइनिंग होते हैं। होता क्या है, जब मेटेलिक सरफेस पे लाइट फॉल करती है तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइट होके वो जाते हैं ऊपर। जैसे ही एक्साइटेशन के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं तो वो जो हीट उन्होंने एब्जॉर्ब की होती है एक्साइटेशन के बाद ओरिजिनल पे आने तक, वो हीट, वो जो एनर्जी है उसको रिलीज कर देते हैं, गिव ऑफ कर देते हैं। जैसे ही वो एनर्जी गिव ऑफ करते हैं तो हमें एक रिफ्लेक्शन सा शो होता है जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो मेटल है दे हैव शाइनी सरफेस। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल एंड डक्टाइल का मतलब है कि जब हम इसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये दे कैन चेंज देयर शेप। मैलिएबल मीन ये शीट नुमा स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं, लाइक हम हैमरिंग करते हैं तो एक शीट नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। डक्टाइल मीन पाइप नुमा स्ट्रक्चर, ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। टूटेगा नहीं स्ट्रक्चर, जस्ट अपनी शेप चेंज कर लेगा। नेक्स्ट है जी स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। फॉर एग्जाम्पल देर आर 12 स्फेयर, 12 एटम्स इन अ स्फेयर। अब देखें, अब 12 आपके पास हैं, अब इनमें अगर हम इसको इस तरह एडजस्ट करें तो इसमें स्पेस बन रही है, लार्ज स्पेस बन रही है। ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस, दीज ऑल आर द स्पेसेस। अगर हम इसका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं कि एक लेयर के स्पेसिस के दरमियान में ले आए, अब देखें यहाँ पे स्पेस कम हो गया, ये स्मॉलर स्पेसिस आ गई हैं। ठीक है, पिछले वाले में हमारे पास 12 थे, अब हमने 11 कर दिए, एक निकाल दिया, तो स्पेसिस भी क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की लेयर लेते हैं, स्पेसिस अगर हम 11 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और यहाँ पे इसकी स्पेसिस बना देते हैं, तो स्पेसिस क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। स्पेसिस को कम करने के लिए हम उस स्पेस के ऊपर नए लेयर लगा देते हैं, नई एटम्स लगा देते हैं, जिससे क्या होता है जी उसकी स्पेसिस को कवर किया जाता है। फिर ऊपर वाले पे जो स्पेसेस होंगे उसके ऊपर हम एक और लेयर लगा देते हैं। वो लेयर्स क्या करती हैं, इसको स्पेसेस को कवर अप करती हैं। और देखा जाए तो अगर हम सिर्फ फोर बॉल्स लें लाइक दिस, तो ये देखिएगा इस स्ट्रक्चर को हम टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ फोर बॉल्स हैं, फोर एटम्स हैं। नेक्स्ट है अरेंजमेंट देखते हैं इसकी, दो ए
तरह से ये अरेंजमेंट होती है। एक आपके पास है फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट, या हम इसको क्यूबिक पैक भी बोलते हैं। होता क्या है जी, ये देखिएगा ए बी सी हम इसको बोल देते हैं, या हम इसको 1 2 3 भी बोल सकते हैं। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एटम्स की लेयर लेती हूँ, तो इसके स्पेसिस को कवर करने के लिए हम दूसरी लेते हैं, उसके ऊपर हम तीसरी लेयर लगा देते हैं। तो जो लेयर्स हम लगाते हैं डायरेक्टली एक दूसरे के साथ, वो क्या करती हैं, इनकी स्पेसिस को कवर अप कर लेती हैं। अगर आप इसका लास्ट वाला स्ट्रक्चर देखो, तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको स्पेस नजर नहीं आ रही, लेयर्स ने क्या किया है, स्पेसिस को कवर अप कर लिया है। इसको हम फेस सेंटर अरेंजमेंट भी बोलते हैं और क्यूबिक क्लॉस पैकिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में भी हम लेयर्स ले लेते हैं, इन लेयर्स को हम अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट लेयर, इसकी स्पेसिस को कवर करने के लिए हम सेकंड लेयर लेते हैं, फिर हम थर्ड लेयर लेते हैं। तो वो क्या करता है, हेक्सागोनल बन जाता है, लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल, 6 कोने बन जाते हैं। इस तरह की अरेंजमेंट हो जाती है। इसको आप ए बी भी कह सकते हो, यहाँ इसको 1 2 1 2 भी कह सकते हो। देखें 1 2 1 2 1 2, यहाँ इसको ए बी भी कह सकते हैं। इस तरह की शेप को हम बोलते हैं दिस इज हेक्सागोनल। सो गाइज, दिस इज एंड ऑफ चैप्टर 2। आई होप आपको समझ आई होगी। लेक्चर पूरा देखना था आपने, अगर फिर भी स्किप हो गया तो काइंडली दोबारा देख लीजिएगा, ताकि कोई भी बात मिस ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ध्यान रखें, दुआ में बहुत याद रखें। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।